च्या बदलत्या विचारसरणीसोबत कोण कोणाच्या जीवावर उठेल सांगता येत नाही अशीच एक घटना नागपूरच्या गवडीपुरा इथे समोर आली आहे. मुलाला विनाकारण का मारता असं पत्नीनं विचारलं असता क्रूर पतीने पत्नीचाच गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. मिळालेल्या माहितीनुसार गवडीपुरा इथे राहणारा संजय विनोदराव राठोड वय 36 वर्ष हा 26 जूनला दुपारी 4 वाजताच्या सुमारास विनाकारण आपल्या मुलाला मारत होता. यावेळी त्याची पत्नी अमरपाली हिने मुलाला विनाकारण मारू नका असे म्हटले असता आरोपीने रागाच्या भरात शर्टाने तिचा गळा आवडून तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने ती बचावली. या प्रकरणी अमरपालीने सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपी विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून आरोपीला तत्काळ अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहे. एक कंप्लेनेंट है अमरपाली संजय राठौड़ नाम की और वो मजदूरी का काम करती है. उसका पति भी मजदूरी का ही काम करता है. लेकिन 21 तारीख की घटना है शाम को जब वो शराब पीकर घर पे आया और उसके बाद में बच्चों को मारने लगा तो उसके मिसेस ने पूछा कि क्यों मार रहे. तो उसके बाद में उसने घर में लटकाया हुआ शर्ट लिया और उसका गला घोटने की कोशिश की. उसके बाद वो मजदूरी के लिए दूसरे घर के घर पे गई तो उनको बताया. उन्होंने देखा कि उसके आँखों में खून जैसा दिख रहा था तो फिर वो पुलिस स्टेशन लेके हमने फिर इमीडिएट तुरंत उसको हॉस्पिटल मेयो में भर्ती कराया और 2 दिन बाद 23 तारीख को वो थाने में आई. फिर और जो इंजरी रिपोर्ट है उसके ऊपर से हमने उसके खिलाफ में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को अरेस्ट किया है.